सो अज आप प्लस टू का चैप्टर वन स्टार्ट करांगे रीप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो वीडियो शुरू होने तो पहला साडा चैनल सबसक्राइब करो विजडम एजुकेशन पॉइंट RDC। सो फस्ट टर्म हैगी है, ठीक है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन देखांगे, लाइफ स्पैन किनू कहिंदे आ। एवरी ऑर्गेनिजम्स कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। हर एक ऑर्गेनिजम का, ठीक है, टाइम पीरियड आ जदों तक वह जींदा रहिंदा आ। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नैचुरल डैथ, ठीक है, जिहड़ा पीरियड, जिहड़ा समा बर्थ तो लैके किसी की नैचुरल डैथ तक आ, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिजम रीप्रजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। ठीक है, टाइम पीरियड बर्थ तो लैके जदों तक किसी ऑर्गेनिजम की नैचुरल डैथ नहीं होंगी उदों तक के पीरियड नूं आपां उहदा लाइफ स्पैन उस ऑर्गेनिजम्स का कहने हैं। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नैसेसरली कोरलेटड विद देयर साइज़, ठीक है, लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिजम का जोड़ा आ वो कोरलेट नहीं करता वो साइज़ न, जबकि जोड़ा साइज़ आप देखिए फॉर एग्जाम्पल क्रो और पैरट का जोड़ा साइज़ आ वह टोटली सेम जहा ही आ, बट उन्हों का लाइफ स्पैन जोड़ा वाइड डिफरेंसिज आ, बहुत ज़्यादा डिफरेंसिज आ, ठीक है। देयर मस्ट बी सम प्रोसैसिज इन लिविंग ऑर्गेनिजम दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी इट्स कार्ड रीप्रोडक्शन, ठीक है। अपना लाइफ प्रोसैसिज बारे जो तुम प्लस वन के पढ़िया होगा कि साड़िया लाइफ प्रोसैसिज फोर टाइप दियाँ आ, न्यूट्रीशन हो गया फस्ट, नैक्सट हो गया साडा रेस्पीरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड फोर्थ वन इज द रीप्रोडक्शन। सो इस चैप्टर के आप लाइफ प्रोसैसिज जरा इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यू रखता आ वो बारे पढ़ा जिन्हों आप रीप्रोडक्शन कहने। सो रीप्रोडक्शन की डेफिनेशन देख लें, इट इज़ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसैस, ठीक है। रीप्रोडक्शन की आ बायोलॉजिकल प्रोसैस आ इन विच एन ऑर्गेनिजम, ये की आ एक ऑर्गेनिजम गिव्स राइज टू यंग वनज जिन्हों आप ऑफस्प्रिंग्स कहने सिमिलर टू इट सैल्फ, ये की होंदा आ, ये एक रीप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसैस आ जिद ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जेडे आगे अपने यंग वनज नू बर्थ देंदे आ जिन्हों आप ऑफस्प्रिंग्स कहने, ठीक है, जिदा बच्चे कह दिए जिदा आप अपने पेरेंट्स के अगे जो उन्होंने अपन बर्थ दिता आप ऑफस्प्रिंग्स आ, ठीक है। इदा ही जेडे भी लिविंग ऑर्गेनिजम आ वह जदों अपने ऑफस्प्रिंग्स नू बर्थ देंदे आ जेडे कि सेम सिमिलर टू इट सैल्फ, ठीक है, उन्हां वर्गे ही होंदे आ। सो इस प्रोसैस नू सारे नू आपां की कहने आ रीप्रोडक्शन कहने आ। द ऑफस्प्रिंग्स ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स, जिहड़े फिर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, अपने जिन्हां ऑर्गेनिजम्स तो अगे जिहड़े ऑफस्प्रिंग्स होए आ वह अगे ग्रो होंदे आ दैन मैच्योर होकर वह अगे जिहड़े आ फिर न्यू ऑफस्प्रिंग्स नू प्रोड्यूस होण दे लई एबल हो जांदे आ। देयर इज़ अ साइकल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डैथ, ठीक है, ये जिहड़ा साइकल आ बर्थ हो जाता दैन ग्रोथ होंदी आ उहदी दैन उहदी डैथ हो जाती है अगे फरदर, फिर जिहड़ा आ ये तिन्ने प्रोसैसा कंटिन्यू चलदियां रहनियां आ। रीप्रोडक्शन अनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है, रीप्रोडक्शन जिहड़ा आ वह कंटिन्यू रखता कि स्पीसीज़ की जिहड़ी आ जनरेशन टू जनरेशन जिहड़ी अगे तो अगे चली जाए। देयर इज़ अ लार्ज डायवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, ठीक है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड जिथे आप रहने मीनस जिथे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ बायोलॉजिकल वर्ल्ड आ वह एक लार्ज डायवर्सिटी आ एंड ईच ऑर्गेनिजम हर एक ऑर्गेनिजम जिहड़ा आ हैज़ इनवॉल्वड इट्स ओन मैकानिजम टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, सारे ऑर्गेनिजम्स चाहे वह प्लांट्स या एनीमल आ उन्हों का अपना अपना ऑफस्प्रिंग्स नू प्रोड्यूस करन दा जी क्या मैकानिजम जिहड़ा आ वह अपना अपना वखरा वखरा आ। सो जिहड़ी रीप्रोडक्शन आ टू टाइप्स की आ, ठीक है, एसेक्सुअल और सैक्सुअल, ठीक है। पहला आपां इहनां दीआं डेफिनेशनस देख लवांगे, एसेक्सुअल रीप्रोडक्शन की हुंदी आ, इस वैन ऑफस्प्रिंग्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इनवॉल्वमेंट ऑफ द गमीट फॉर्मेशन द रीप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, ठीक है। जदों भी कहिंदे ऑफस्प्रिंग्स जिहड़ा है प्रोड्यूस किया जाता है बाय सिंगल पेरेंट, ठीक है, जिहदे विच सिंगल पेरेंट ही होवे विद और विदाउट, उहदे विच जां तां गमीट फॉर्मेशन हो सकती है जां ना भी नहीं भी हो सकती, बट वह पेरेंट सिंगल ही होना आ, ठीक है। तो वह जिहड़ी रीप्रोडक्शन है आपां एसेक्सुअल कहने आ, ठीक है, जिद्दां सिंगल सैल ऑर्गेनिजम्स दे विच ए वाली हुंदी आ। नैक्सट सैक्सुअल रीप्रोडक्शन वैन टू पेरेंट्स जिहदे विच, ठीक है, इहदे विच एसेक्सुअल विच की सी सिंगल पेरेंट हुंदे सी, सैक्सुअल रीप्रोडक्शन विच टू पेरेंट्स होने ओपोजिट सैक्स दे जिद्दां मेल और फीमेल बोथ होने आ पार्टिसिपेट इन द रीप्रोडक्शन प्रोसैस एंड आलसो इनवॉल्व फ्यूजन
ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट ये की आज पक्का आ कि जो सैक्शुअल रिप्रोडक्शन है वह फ्यूजन होनी होनी आ मेल फीमेल गेमीट की दैन जोड़े वो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए एबल होंगे आ इट इज़ कॉल्ड द सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो अगे आप सैक्शुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा जहा डिटेल च पढ़ लें। इन दिस मैथड अ सिंगल इंडिविजुअल मीनस अ सिंगल पेरेंट जिहड़ा आ वो कैपेबल हुंदा आ ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स नू प्रोड्यूस करन दे लई एबल हुंदा आ। एज अ रिजल्ट द ऑफ स्प्रिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आलसो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। जिहड़े तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे विच पेरेंट्स वालों ऑफ स्प्रिंग्स जिहड़े आ प्रोड्यूस किए जाते हैं वो जिहड़े प्रोड्यूस किए वो ना कि कल आइडेंटिकली उन्हां वर्गे हुंदे आ बट वो उन्हां दी एग्जैक्ट कॉपीज अपने पेरेंट्स दीआं हुंदे आ। सो अगे एक क्वेश्चन आता है आर दीज ऑफस्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकल आइडेंटिकल और डिफरेंट। ठीक है क्वेश्चन आता है कि जेडे भी ये ऑफस्प्रिंग्स होने आ ठीक है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे और डिफरेंट होंगे सेम होंगे जो बखरे होंगे। सो हेयर इज़ अ टर्म क्लोन। ठीक है इतने एक टर्म जी क्लोन यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब सच मॉरफोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल। ठीक है एक टर्म क्लोन यूज़ की जाती है ता कि मॉरफोलॉजिकल होंदा है मीनस किसी थिंक की किदा की फॉरमेशन है किसी ऑर्गेनिजम की किदा की फॉरमेशन है वो किदा का बनया तो जेनेटिकली होंगी मीनस वो जीनस वगैरह की स्टडी। इन मॉरफोलॉजिकल और जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल डिस्क्राइब करने के लिए क्लोन टर्म यूज़ की जाती है। ठीक है ये वन मार्क क्वेश्चन ये पेपर में आ जाते हैं। सो इस करके बुक के जड़िया भी चीज़ा आदि होंगे इदा दियाँ उन्होंने अंडरलाइन कर लिया करो तो बुक नाल लैके ही वीडियो देखा करो। नैक्सट हैगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन अमंग सिंगल सैल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जी सिंगल सैल ऑर्गेनिजम्स होंगी है एंड इन प्लांट्स एंड एनीमल्स विद रैलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सम एनीमल्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जोड़े ऑफस्प्रिंग्स जोड़े आ वह प्रोड्यूस किए जाते हैं। इन प्रोटिस्ट और मोनरेन्स द ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट सैल्स डिवाइड्स इनटू टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। ठीक है आह जिहड़ियां आ यूनीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दीआं एग्जाम्पल्स आ इह जिहड़े आ कहिंदे इह पेरेंट सैल्स आ डिवाइड हुंदे आ टू दे विच ते अगे अपने जिहड़े इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल्स नूं जिहड़ा आ बर्थ दिंदे आ। इन दीज ऑर्गेनिजम्स सैल डिवाइड सैल डिविजन इज इटसैल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है इदा के ऑर्गेनिजम्स इदा के मीनस आ जो दो यूनीसैलुलर जग्जाम्पल्स दिखाई गई इन्होंने की होंगी जी सैल डिविजन कहते अपने आप जी होंगी तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होंगी है। मैनी सिंगल सैल्ड ऑर्गेनिजम्स रीप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। ठीक है ये तो जी अपने आप करते बट कई ऑर्गेनिजम्स जी रीप्रोडक्शन किदा होंगी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होंगी है वेयर द सैल डिवाइड्स इनटू टू हाल्व्स। ठीक है जोड़ा सैल आ वो टू हाल्व्स डिवाइड हो जाता तो एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन अडल्ट फिर जोड़ा। ठीक है सिंगल आ वो अगे जोड़ा है टू दे विच इदा अगे टू डिवाइड हो जाता है। ठीक है फिर वो अगे जाके की हो जाता है ग्रो होकर एक अडल्ट बन जाता है। ठीक है जिदा यह वाली जी अमीबा की एग्जाम्पल अमीबा के इदा होंगी है। ठीक है बाय बाइनरी फ्यूजन अमीबा के जी रिप्रोडक्शन होंगी है। सो इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। ठीक है ये की होंगी डिवीजन अनइक्वल होंगी है तो एंड समॉल वर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है किसी भी जेड़े भी सैल आमॉल वर्ड्स की है ना प्रोडक्शन होंगी है एंड रिमेन अटैच इनिशियली। ठीक है इनिशियल होंगे स्टार्टिंग किसी भी कहें जदों भी डिवीजन होंगी है जदों वो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं इनिशियली अपने ठीक है पेरेंट के नाल अटैच ही होंगे जिथे वो प्रोड्यूस होंगे टू द पेरेंट सैल्स विद eventually get separated बाद दे वेच वो separate होके mature हो जाते into new yeast organisms दे वेच। so next हैगा fungi and simple plants such as algae produce through स्पैशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स। ठीक है जिदा इतने एलगिया की एग्जाम्पल दी है ये रिप्रोडक्शन जी फंगाई और सम प्लांट्स के जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सम स्पैशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू होंगी आ। ठीक है वो मोस्ट कॉमन दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स उन्होंने अपना जूस्पोर्स कहने स्ट्रक्चर्स। नैक्सट क्वेश्चन हैगा आ इज़ वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन आलसो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है कहते जी वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन मीनस जी प्लांट्स के रिप्रोडक्शन होंगी है कहते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप मान सकते हैं कोई टाइप आ।
इन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिजियसली। ठीक है, कहिंदे एनिमल्स दे विच और अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स दे विच ये जिहड़ी एसेक्सुअल टर्म आ जिहड़ी वह डाउटफुली यूज की जाती है, बट इन प्लांट्स द टर्म वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीकुएंटली यूज, क्योंकि यह वैजीटेबल्स जिहड़े आ वह एसेक्सुअली ही अपनी रिप्रोडक्शन अगे करते, इस करके फ्रीकुएंटली ये टर्म यूज की जाती कि वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन ही होंगी प्लांट्स दे विच। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वैजीटेटिव प्रोपागेशन सच एज रनर रिजम सकर ट्यूबर ऑफसेट बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, ये प्लांट्स दे विच यूनिट ऑफ वैजीटेटिव प्रोपागेशन दित्तियां होईयां आ जिहड़ियां कि एबल हुंदियां आ अगे अपने वर्गे ही ऑफस्प्रिंग्स नू प्रोड्यूस करन दे लई। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वैजीटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ठीक है, इन्हां स्ट्रक्चर्स नू वैजीटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहा जाता आ। द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डज नॉट इनवॉल्व टू पेरेंट्स। इदां दीआं फॉर्मेशनस जिहड़ियां आ, ठीक है, वैजीटेटिव प्रोपाग्यूल्स दे विच जिहड़ा आ टू पेरेंट्स की जरूरत नहीं होंदी, तां इस प्रोसैस जिहड़ा इनवॉल्व हुंदा है एसेक्सुअल दे विच। एसेक्सुअल और वैजीटेटिव एज वैल एज सैक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट्स। ठीक है, कहिंदे एसेक्सुअल जिहड़ी और सैक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन आ इह जिहड़ा हायर प्लांट्स दे विच ही यूज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड्स, ठीक है, जे आपां दूजे पासे गल करिए जिहड़ा आ ओनली सैक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिप्रजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनीमल्स। एसेक्सुअल और सैक्सुअल, ठीक है, बोथ आपां प्लांट इन्हां नूं दोहां रिप्रोडक्शन नूं आपां जिहड़ा आ प्लांट्स दे विच मान लैंदे आ, बट जिहड़ा सैक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ उह आपां सिर्फ एनीमल्स लई ही यूज करदे आ कि जिहड़ा एनीमल्स दे विच आ उह सैक्सुअली ही रिप्रोडक्शन होंगी। सो इट्स ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू।